अब्दुलुद्दीन दौलत साहब का ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चौमेला पैलेस में था। सिक्स्थ निज़ाम अब्दुलुद्दीन दौला के रिश्तेदार खुर्शीदा और इकबालुद्दीन, बल्कि वो रिश्तेदार ना थे, उनके रेजिडेंशियल हाउसेस या खुर्शीदा देवड़ी और इकबालुद्दीन देवड़ी बोल के नाम से मशहूर है, पूरे उनके रिश्तेदार रहते थे इधर। तो निज़ाम, सिक्स्थ निज़ाम रूल होने के बाद वो पूरे आबादी बस गई, गरा भी आ गए। इकबालुद्दीन दौला के आसपास में जगदीश हट्स बोल के एक एरिया है, वहाँ पुराने जमाने में झोपड़ियाँ थे और बाद में झोपड़ियाँ हट के गरा बने। वही हट्स में उमर बोल के नाम के रेनबाज रहने वाले, उन्होंने बोलते कि मैं 30 साल का घर है, बोल के ये मालूम हुआ कि वो 10 साल पहले कुछ यहाँ खरीदे घर को बनाने के लिए, शायद घर में रह रहे भी उन्होंने। तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि घर में खजाना है बोल के, तो खजाना तो उधर भाई बोल के, या उनको एक बार बोले कि खाप गिरा बोल के बोले, और बोला इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ खजाना है। तो खजाना के लिए उन दोस्तों को रेडी करने के उन्होंने 10-15 दिन से खोदना चालू करे। वो घर में तकरीबन उन्होंने 30 मीटर के अंदर वो खोदे पूरा, वो पानी का लेयर भी आ गया, दो लेयरा भी आ गया पानी के, तो कुछ भी नहीं निकला। वो खोदना कंटिन्यू करे, ये ऑलमोस्ट 12 दिन से चल रहा था। कल इन्फॉर्मेशन हुसैन आलम इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये घर में खुदाई चल रही खजाने के लिए। तो इंस्पेक्टर बालाजी हुसैन आलम घर पे रेड मार के जितने भी खोद रहे थे उनको कस्टडी में ले लिए और इंक्वायरी करे किनका घर है, कौन खुदाई करा रहे बोल के। तो ये मालूम हुआ कि उमर बोल के नाम के जनाब साहब घर ओनर है घर के, उन्होंने खुदाई कर रहे थे खजाना के लिए, खजाना खोजने के लिए। तब तक तो कुछ भी नहीं मिला, वो ट्रेजर एंड ट्रोव एक्ट वायलेशन हुआ। कुछ भी खजाना मिलने का इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म करना, MRO को इन्फॉर्म करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना। वो कुछ भी नहीं करके वो कुछ भी निकला तो अपने लेने की तैयारी में उन्होंने खुद ना करे, वो लीगली वो वायलेशन है, वो सेक्शन 20 ट्रेजर एंड ट्रोव एक्ट के मुताबिक ये ऑफेंस है। तो उनको सेक्शन 20 ट्रेजर एंड ट्रोव एक्ट के मुताबिक उनको उमर मियाँ को और दोस्तों को अरेस्ट करे, उनको कोर्ट में पेश करें। टोटल क्या बोले, 12 मेंबर्स रोड पे खोद रहे थे, निकल गया, अलग बात है। ये घर के लिए खाली खुदाई सिर्फ ये खजाने के लिए हुआ, पूरा 30 मीटर के ऊपर खजाना खोदे।